लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ जो प्याले में बुदबुदाती है। वह पीते समय मधुर लगती है किंतु अंत में सांप की तरह हंसती और करैत की तरह विष उगलती है। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने क्योंकि इससे विषवासना उत्पन्न होती है बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। अंगूरी पीने में वीरता का प्रदर्शन मत करो क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया है। धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाती है जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्रता उजड़ जाए। न तो राजाओं को अंगूरी शोभा देता है न शासकों को मदिरा क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। हर रंगरेलियों और नशेबाजी व्यभिचार और भोगविलास झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु येसु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। अंगूरी उपहास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है। जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं। अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। दावतों में रुचि मत लो इससे दुगुनी दरिद्रता आ जाती है। पीने वाले मजदूर धनी नहीं बनेगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होगा। मद्यपान से तेरी महिमा नहीं तेरी नीचता व्यक्त होती है। जो व्यक्ति संयम से अंगूरी पीता है वह तन मन से स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति असंयम से अंगूरी पीता है वह क्रोध एवं झगड़ा किया करता है और उसकी आत्मा कटुता से भर जाती है। कौन दुखी है कौन शोक मनाता है कौन झगड़ा लगाता है कौन शिकायत करता है कौन घायल हो जाता है। किसी की आंखें लाल है यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं जो मिश्रित अंगूरों के प्याले चखते रहते हैं। अवसर के अनुसार संयम से पी गई अंगूरी हृदय को उल्लास और आत्मा को आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसी है। नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है।